पटना से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पटना से यह खबर भारतीय जनता पार्टी के खेमे से, कल फिर से बीजेपी की अहम बैठक होगी पटना में। यह बैठक होगी, बीजेपी के तमाम विधायक इसमें शामिल होंगे और बीजेपी के प्रभारी और सांसद भी इस बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक भी महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तरफ अगर बात करें जेडीयू की बैठक है 10 बजे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बैठक भी है, क्योंकि आज भी बीजेपी की बैठक हुई, 2 घंटे यह बैठक चली और इस बैठक में जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, कई विधायकों ने यह भी आवाज उठाई कि हमें मुख्यमंत्री पद मांगना चाहिए जेडीयू से। प्रकाश जी हमारे साथ लगातार बने जी। प्रकाश, क्या कहना है, कल की भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है ये भी महत्वपूर्ण है, यानी 10 बजे जेडीयू की बैठक और उसके बाद क्योंकि आगे की जो प्रक्रिया होनी है, राजभवन जाना है, इस्तीफा सौंपना है, फिर शपथ लेनी है, लेकिन बीजेपी की बैठक भी काफी अहम है। देखिए, बीजेपी की बैठक है चाहे हम की बैठक है, जो पार्टियां एनडीए में शामिल रहेंगी उनके विधायक दल की बैठक होगी, ये औपचारिक बैठक होगी। अभी क्या है कि एक बैठक हो रही है सबसे मिलने का, बात करने का, सबकी बात सुनने का, समझने का, लेकिन ये बैठक औपचारिक होगी जिस बैठक में ये तय किया जाएगा कि समर्थन दिया जा रहा है, एक सुनाया जाएगा लोगों को फरमान कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है और हमें मानना है, और इस हिसाब से वो तैयारी रहेगी कि जैसे ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे करके आएंगे, समर्थन का पत्र सौंपेंगे राज्यपाल को और समय ले लेंगे, इसके बाद से तुरंत आएंगे, फिर एनडीए की सामूहिक बैठक होगी एक अणे मार्ग जो सीएम आवास है उसमें, और फिर वहां पर नीतीश कुमार नेता चुने जाएंगे। तो अब कल जो कुछ भी होना है वो औपचारिक बैठकें होंगी, जिस बैठक में जो विधायक दल की बैठक होती है, विधानमंडल दल की बैठक होती है। विधानमंडल दल से मेरा मतलब है कि विधान बिहार में दो है, एक बिहार विधान परिषद है और एक बिहार विधानसभा है, तो दोनों के नेताओं की यानी दोनों एमएलए एमएलसी भी बैठेंगे और तय करेंगे और उसके बाद फिर जो फैसला होगा उसके आगे की कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी अहम खबर। और आपको बता दें कि पटना में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो उनके यहां पोस्टर लगा हुआ है, निधि श्री जहां पर मौजूद है, और पोस्टर में लिखा है कि आप देख सकते हैं पटना के कि बिहार में बहार है, बिन मांझी सब बेकार है, ये पोस्टर। और ये पोस्टर बिहार में चर्चा का विषय इस वक्त पटना में बना हुआ है। निधि श्री इस पोस्टर के ठीक नीचे खड़ी हैं। निधि, मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप दर्शकों को बताएं, और बैठक भी थी आज जीतन राम मांझी की, बैठक खत्म हुई, उस बैठक के बाद उन्होंने क्या कहा जो आपकी उनसे बात हुई? बिल्कुल, देखिए जो पोस्टर है, सबसे पहले पोस्टर हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये पोस्टर दोनों तरफ लगा है और इस पोस्टर पर लिखा है बिहार में बहार है, बिन मांझी सब बेकार है। जीतन राम मांझी की तस्वीर, वही जीतन राम मांझी जो कल तक नीतीश कुमार के बारे में कह रहे थे कि वो हमें रबर स्टाम्प समझते हैं, वो हमें समझते हैं कि इसको कोई सेंस है, इसको कुछ बोलने आता, जो तमाम बातें नीतीश कुमार ने उनको कही थी। लेकिन सवाल यह है कि जीतन राम मांझी अहम रोल प्ले कर रहे हैं, ये आपको बिहार का मैप नजर आ रहा होगा, और ये पोस्टर के जरिए दरअसल ये संदेश देने की कोशिश है कि कितना भी हमें इग्नोर करोगे, हम कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच। और यही वजह है कि जीतन राम मांझी अपने 4 विधायकों को लेकर बिल्कुल कोर बैठक जिस तरीके से की जाती है, गुप्त बैठक की है और इस पर मंथन हुआ है। ये भी चर्चा दिन भर थी कि क्या उनको मनाने की कोशिश की जा रही है आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। खबरें ये भी आई कि भूपेश बघेल उनसे मिलने के लिए आ सकते हैं, लेकिन इस बीच बैठक लगभग 2 घंटे की हुई और उसके बाद ये क्लियर मैसेज पब्लिकली उनकी तरफ से दिया गया कि हम किसी भी स्थिति में एनडीए के साथ ही रहेंगे, हम कहीं और नहीं जाने वाले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।